Next question. Question says a metallic rod of mass per unit length 0.5 kilogram per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle I of 30 degree with the horizontal. Rod is not allowed to fall or slide down by following. करंट थ्रू इट वेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पॉइंट टू फाइव टेस्ला इज एक्टिंग ऑन इट इन वर्टिकल डायरेक्शन सवाल ये द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी विल बी ऑप्शन है सेवन पॉइंट वन फोर फाइव पॉइंट नाइन एट फोर्टीन पॉइंट सेवन सिक्स या फिर इलेवन पॉइंट थर्टी टू एंग्स फ्राम अगेन सिंपल सवाल है पर यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से एन एल एम के थोड़े से यहाँ पे एम ई सी के कॉन्सेप्ट दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे सो right? so, ये आपका इंक्लाइन uh, प्लेन है थर्टी uh, डिग्री का इसका एंगल है और इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है उस रॉड का हमें दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ जो है उसको हमने 0.5 किलोग्राम पर मीटर ये इसका एम बाई एल का रेशो दिया हुआ है नाउ इस केस के ऊपर अगर सिर्फ इतना सिनेरियो हो तो एनालम से अपने को ये पता है नीचे एक फोर्स लगेगा जिसको आप बोलेंगे एम जी थीटा नाउ एम जी साइन थीटा फोर्स लगेगा तो रॉड नीचे आएगी लेकिन यहाँ पे कोई एक और फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रहा है वो बैलेंस करने वाला फोर्स जो है आपने यहाँ पे क्या किया है इस जगह पे वर्टिकल uh, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए उस मैग्नेटिक फील्ड का एक जो कंपोनेंट आएगा जो करंट कैरिंग रॉड है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर जो फोर्स आ जाएगा उस फोर्स की वैल्यू होएगी आप उसको लिखते हैं आई एल बी ये आपके फोर्स की वैल्यू हो जाएगी न इस फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा इस फोर्स की अगर डायरेक्शन देखेंगे तो अगर आई करंट ऐसे है एल ये तो आपका ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा उस फोर्स का एक कंपोनेंट जो है ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये भी 30 होएगा सो so, ये एफ़ कॉस थीटा आपका एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा अगर ये दोनों बैलेंस है तो रॉड अपनी वहाँ पे टिकी रहेगी इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ़ यानी कि आई एल बी कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है अपने को यहाँ पे आई की वैल्यू बतानी है तो आई को हम लिख सकते हैं आई विल बी इक्वल टू एम जी साइन थर्टी डिवाइडेड बाय इसको नीचे ले आते हैं ये होगा एल बी कॉस थर्टी है सो कॉ अच्छा ये m बाई एल का रेशियो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है g अपने को पता है b अपने को दिया हुआ है साइन बाय कॉस्ट डिवाइड करके आपका 30 डिग्री टेन 30 बन जाएगा सो so, यहाँ पे जो आपकी i की वैल्यू आ जाएगी m बाई एल हो गया आपका जीरो uh, पॉइंट यानी कि 1 बाई टू मल्टीप्लाइड बाय जी इसको टेन लिख लेते हैं बी b, uh, b अपने को दिया हुआ है पॉइंट uh, टू का मतलब हो गया वन बाय यानी कि वन नीचे फ़ोर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और टेन थर्टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके रूट थ्री हो जाएगी सो so, इसकी जो वैल्यू बच गई ये बचेगा ट सॉरी ये टेन थर्टी हुआ टेन थर्टी होता है वन बाय रूट थ्री सो ये जो वैल्यू हुई ये वो आपका आई की जो वैल्यू आ गई ये आ गई ट्वेंटी बाय रूट थ्री नाव यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस ट्वेंटी बाय रूट थ्री डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा सो so, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये लिख सकते हैं ये ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री यह आपकी वैल्यू हो जाएगी नॉट थ्री को अंडर उड थ्री को आप लिख सकते हैं यहाँ पे वन पॉइंट सेवन आता है अंदाजे के लिए बता रहा हूँ तो ये आपका वन पॉइंट सेवन थ्री टू हो सकता है उसको अगर हम ईजी कैलकुलेशन के लिए लिख दें वन पॉइंट एट तो वन पॉइंट एट अगर हम थ्री कर देंगे तो वन पॉइंट एट डिवाइड थ्री अपना बन जाएगा कुछ अच्छा इसको ही लेते हैं ये हो जाएगा ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट एट डिवाइड थ्री ये बन जाएगा आपका जीरो पॉइंट सिक्स मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में इसको फटाफट कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू है 0.6 बट हमें मनी मन पता है कि फाइनल रिजल्ट इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए जो भी वैल्यू आएगी अब इसको अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 12 12 से हल्का सा कम रहेगी वैल्यू तो आई की जो यहाँ वैल्यू आएगी इलेवन पॉइंट ये अपने को लगभग ये वैल्यू दे रखी है सो so, इलेवन पॉइंट एंगस्ट्रॉम ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर